थैंक यू बेटा. ओके यस सर. सो द केमिकल रिएक्शंस आर द हार्ट ऑफ ऑफ केमिस्ट्री. ये बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन आर द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड दे आर नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके नाउ सर्टेन रिएक्शंस लाइक एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट और फॉरेस्ट फायर. ओके आर मोर. आप आपका पॉइंट फिर से बता सकते हैं क्या? ये बोला कि द नंबर वन पॉइंट जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं दे आर द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री. लाइक हमारे जो हार्ट है ना, हमारा हार्ट, वो बिना हार्ट के हम जिंदा नहीं रह सकते. सिमिलरली बिना केमिस्ट्री, बिना रिएक्शंस के केमिस्ट्री डेड है, कुछ भी नहीं है. ओके समझ में आया? ओके एंड दे आर नथिंग बट द कन्वर्जेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ये कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स दे आर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. दैट मीन्स यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट होता है, इसको हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं एंड इस प्रोडक्ट को हमने रिएक्टेंट में चेंज किया. ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया. क्लियर बेटा? नाउ केमिकल रिएक्शन सर्टेन टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं, लाइक जैसे एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट्स. डायनामाइट्स देखा बेटा? यस सर, इट इज अ टाइप ऑफ हाईली एक्सप्लोजिव और हाँ एक्सप्लोजिव मटेरियल. ओके एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट्स. ओके फॉरेस्ट फायर. ओके दीज आर मोर इंटेंस रिएक्शंस. ओके क्लियर? यस सर. ओके वाइल अदर्स लाइक आयल को हम लोग जैसे बोलते हैं लाइक बर्निंग ऑफ मैच बॉक्स और मैच स्टिक. ओके और एलपीजी गैस एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड लेस इंटेंस रिएक्शन. क्लियर? यस सर. बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज अ इंटेंस रिएक्शन, राइट? एक्सट्रीम इंटेंस. सो बट ऑल दीज रिएक्शंस ड्यू डिटेक्टेबल चेंज. इन रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ एक चेंज होता है दैट वी कैन डिटेक्ट. ओके सो वी कैन से कि इसमें भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा एंड इसमें भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा. सो ऑल दीज रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस तो है ही, बट ये इंटेंस रिएक्शंस हैं, ये लेस इंटेंस रिएक्शंस हैं. क्लियर बेटा? समझ में आया? सो नाउ इस डिपेंडिंग ऑन द लेस और मोर इंटेंस रिएक्शन, इसके ऊपर हमको कुछ रिएक्शंस को टाइप में डिवाइड किया गया. ओके दैट इज नंबर वन इज द एनीबॉडी टेल मी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्स एन लिखता हूँ, इसका मतलब समझ रहे हो बेटा आप लोग? यस सर. वेरी गुड बेटा. सो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और इसका एक अदर नाम होता है, एनीबॉडी टेल मी? केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन. केमिकल कंपोजिशन. ओके केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन. ओके और इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं ना? ना बेटा, सिंथेसिस अलग चीज होती है. ओके नाउ सिंथेसिस में अभी ड्राइव करूंगा कि सिंथेसिस क्या चीज होती है. ओके नाउ अभी इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शंस इन विच
टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस. ओके दैट इज द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस सब्सटेंसेस combine to form a single substances. okay clear beta single substance are called combination reaction. okay अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं दैट इज इन जनरल द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी. यहां पर वन प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट दैट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. क्लियर बेटा एनी डाउट्स? नो सर. ओके दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन एंड द केमिकल केमिकली इसका एग्जाम्पल अगर हम बोले सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नंबर वन एफ ई प्लस एस इज इक्वल टू एफ ई एस. दिस इज आयरन एंड दिस इज सल्फर एंड दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एफ ई एस का नेम बताओ मुझे एनीबॉडी. आयरन सल्फेट नहीं होता. ओके बेटा ये होता है फेरस. एनीबॉडी सल्फाइड. ओके अभी आप नाम याद कर लो. नेमिंग कैसे होता है हम लोग आगे चल के सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे. इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. ओके दैट इज सी ओ टू प्लस सर यस बट वी यूज बोथ ऑफ द नेम्स लाइक लैटिन नेम्स आल्सो वी यूज दैट. हाँ हाँ यूज कर सकते हैं. ओके सो द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ दिस रिएक्शन एच टू सी ओ थ्री. ओके क्लियर. एंड अ थर्ड एग्जाम्पल फॉर दिस दैट इज पी बी ओ प्लस ओ टू एंड दिस गिव्स अस पी वी थ्री ओ फोर. नाउ वन मोर टास्क फॉर यू बैलेंस दिस थर्ड इक्वेशन. इसको आप बैलेंस करो. So, yes. No, nothing. Balance करो बेटा. थ्री पी बी और टू ओ टू हो जाएगा क्या? थ्री पी बी और टू ओ टू सर सिक्स पी बी सर सिक्स पी बी और उस साइड टू पी बी थ्री यस एंड ओ सर टू सर ओ हो गया ना ओ बैलेंस हो गया ना बेटा ऑलरेडी. हाँ यस ओके क्लियर है बेटा. तो ये चीज आपको सीखना है बैलेंस कैसे किया मैंने यहाँ पे. ओके सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आल्सो क्लासिफाइड. नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फ्री फायर के और फ्रेश न्यू वीडियो में. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे फ्री फायर के बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स एंड इवेंट्स के बारे में. एंड साथ ही साथ मैं आंसर करूंगा आप लोगों की तरफ से निकल के आने वाले काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का. जैसे हम लोग बात करेंगे स्पेशल एयर ड्रॉप या फिर इन गेम आने वाली बर्गर की जिसको द्वारा आज की वीडियो पूरी देखना शुरू से लेके एंड तक. ओके रिमूव कर दिया मैंने उसको. ओके एंड
अभी मैंने जो वेटिंग लिस्ट है उसको मैंने ऑफ कर दिया, सो ही कैन नॉट एबल टू ज्वाइन. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के भी थ्री टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टाइप होते हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं. ओके, दैट इज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्लासिफिकेशंस और टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ओके, ओके. नाउ नंबर वन इज एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशंस, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन. ओके, एंड नंबर सेकेंड इज कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन. एंड नंबर थर्ड इज, एनीबडी टेल मी, एलिमेंट कंपाउंड. वेरी गुड, और वी कैन से कंपाउंड एलिमेंट. ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ टू एलिमेंट्स. ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, एलिमेंट एलिमेंट में जब दो एलिमेंट्स मिल करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन करें. लाइक एक तो एलिमेंट्स हो गया आपका H2, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाना. ओके, H2 एक गैसियस एलिमेंट्स है, प्लस O2 भी एक गैसियस एलिमेंट है. ना ये कंबाइंड होकर के क्या बनाता है, H2O. ओके, क्लियर है बेटा. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2, दे कंबाइंड कंबाइंड होकर के NH3 बनाएंगे. ओके, दिस इज गैसियस, दिस इज ऑल्सो गैसियस, एंड दिस इज गैसियस. क्लियर है बेटा. एंड द थर्ड एग्जाम्पल इन दिस, दैट इज कार्बन, दिस इज सॉलिड, प्लस O2 गैस के साथ रिएक्शंस करके CO2 गैस बनाएंगे. ओके, मैंने यहाँ पर थ्री एग्जाम्पल दिए एलिमेंट एंड एलिमेंट क्लासिफिकेशन कॉम्बिनेशन. ओके, नाउ इन द कंपाउंड एंड कंपाउंड क्लासिफिकेशन, कंपाउंड जानते हो, एलिमेंट जानते हो बेटा क्या होता है एलिमेंट्स. ओके, यस अभी सर, दे आर वो एक प्योर सिंगल सब्सटेंसेस. है. ओके, प्योर सब्सटेंस NH3 दिस इज अ कंपाउंड, प्लस HCl गैस से जब इक्वेशन रिएक्शंस करेगा दैट गिव्स अस NH4Cl. ओके, दिस इज सॉलिड्स. ओके, नाउ एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O दैट गिव्स अस CaOH का होल ट्वाइस. क्लियर बेटा? So, यस. HCl will be liquid, no? नो बेटा, यहाँ पर HCl, अगर यहाँ पर लिक्विड लेते हैं HCl तो यहाँ पर भी ये लिक्विड बनेगा. ओके, NH4Cl यहाँ पर गैस होगा बेटा. ओके, ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अभी ये एलिमेंट्स की, हम लोग बात नहीं करते हैं गैसेस स्टेट की. ओके, अगर मैं अभी गैसेस स्टेट की बात करूंगा, ओके, मैसेज आया इसका, मैं इसको रिप्लाई कर दूं. ओके, नाउ सो इन द कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा बेटा, कोई कंपाउंड होगा, लेट्स कॉल CO प्लस O2 एलिमेंट्स, एंड ये रिएक्शंस करके CO2 बनेगा. ओके, एंड सिमिलर SO2 प्लस O2 रिएक्शंस करके SO3 बनेगा. क्लियर, समझ में आया बेटा? सर,
वो पहले कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में भी CO2 बना था, CO+O2 से, यहाँ पे भी CO2 ही बनता है। बनने से नहीं होता बेटा, हम यहाँ पे ओनली ऑन रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड। ओके सर, दिस इज कंपाउंड एंड एलिमेंट, कंपाउंड एंड एलिमेंट, दिस इज कंपाउंड कंपाउंड, सो कंपाउंड एंड कंपाउंड, ओके, एंड दिस इज एलिमेंट एलिमेंट, सो दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज एलिमेंट्स, क्लियर? सर, आई नॉट तो अंडरस्टूड CO2 हाउ SO2 + O2 बिकम्स SO3. SO2 एंड O2 बिकम्स, SO3 बिकॉज हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ एस एंड फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर. ओके, SO2 एंड O2 बिकम SO3, ओके, SO2 एंड ये कैसे हो गया, ये वाला रिएक्शन पूछ रहे हो बेटा आप लोग? यस सर, यस सर. ओके, देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब रिएक्शंस होती है यहाँ पे क्या होता है, SO2 यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल, इसको बैलेंस नहीं किया ना बेटा अभी, अगर इसको बैलेंस करेंगे दैट इज 2 एंड हेयर 2, ओके, नाउ अभी बैलेंस हो गया, अभी यू अभी आप बोल नहीं सकते, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, समझ में आया बेटा? ओके सर. मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप एक बार रिचेक करोगे कि बैलेंस है इक्वेशन या नहीं है, ओके, क्लियर बेटा? यस सर. एनी डाउट्स? नाउ नो सर, नो डाउट. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, टेल मी द नेम ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, एनीबॉडी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी गुड, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन. दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इन दिस द कंपाउंड्स जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इन दिस रिएक्शंस द या कंपाउंड, सर, कैन आई एक्सप्लेन? हाँ बोलो आप एक्सप्लेन कर दो, ओके, यस सर. सर, इन दिस रिएक्शन इट इज वेयर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस. सो लाइक ओके, टू और वन और मोर सब्सटेंसेस दे डिकम्पोज और ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस. वेरी गुड, सर, हम लोग उसको उल्टा बोल सकते हैं कंपोजिशन रिएक्शन का. उधर दो मिलके एक, मतलब दो या ज्यादा मिलके एक बनाते, इधर वो एक स्प्लिट हो जाता है. हाँ बेटा ऐसे होगा, ओके, ओके, नाउ इन जनरल अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वी दैट गिव्स अस ए प्लस बी, क्लियर? क्लियर है ना बेटा? वेरी हाँ यस सर. गुड, नाउ बेटा वन सेकेंड, मैसेज आ रहा है एक लड़के का, सर, यस, बट इन व्हाट पार्ट्स विल ब्रेक दैट कंपाउंड? ओके, लाइक कौन सा, वन वन एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट विल ब्रेक इट. हाँ बेटा इसमें ऐसा नहीं होता है, हम एक एग्जांपल देख के बताता हूँ, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर जैसे HGO है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड्स, ओके, इसको जब मैं हीट करता हूँ, ये डेल्टा साइन याद है ना आपको, हीट का साइन यस होता सर. है, अगर इसका साइन बनाऊं या हीट लिखूं, इसका हीटिंग का साइन होता है, ओके, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये Hg+O2 इसमें टूट जाता है, ओके, सिमिलर काइंड अगर मैं HClO दैट इज इसको अगर मैं इसमें लाइट डालूं, लाइट जानते हो ऑल ऑफ यू, सनलाइट्स, ओके, और वी कैन से इसको एच न्यू से लिखते हैं, एच न्यू, ये जानते हो ऑल ऑफ यू बेटा, यस यस सर. सर. ओके, सो जब इसमें सनलाइट डालेंगे तो ये HCl+O2 में स्प्लिट अप हो जाता है, सिमिलर काइंड जब H2O में
इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, दैट स्प्लिट इनटू H2 प्लस O2। यस सर, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं ना। वेरी गुड बेटा, हाँ यस क्लियर बेटा। तो ये इसमें स्प्लिट हो जाता है। नाउ इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज एलिमेंट एलिमेंट डिकम्पोजिशन, ओके कंपाउंड कंपाउंड। सो एट लास्ट वन वन एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन ओनली इट विल फॉर्म। ओके ऐसा नहीं है वन एलिमेंट्स एट लास्ट बेटा, जैसे मैंने अभी इसमें लिखा दिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। नंबर वन कैटेगरी दैट इज जैसे जस्ट लाइक हमने अभी देखा, नंबर वन कैटेगरी एलिमेंट एलिमेंट डिकम्पोजिशन, नंबर सेकेंड कंपाउंड कंपाउंड डिकम्पोजिशन, नंबर थर्ड इज कंपाउंड एलिमेंट डिकम्पोजिशन। क्लियर? नाउ इसमें क्या होता है, मैं जस्ट लाइक एक एक एग्जाम्पल देके जाता हूँ फॉर दैट फर्स्ट का एग्जाम्पल, ओके आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ओके दैट इज HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। ओके नाउ ये रिएक्शंस होगा हीट करने पर, दैट इज Hg, दैट इज 2 Hg हो जाएगा यहाँ पर प्लस O2। तो ये क्या हो गया, ये भी अलग एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन। ओके क्लियर, समझ में आया बेटा? नाउ सिमिलर सेकेंड वाला एग्जाम्पल दैट इज कंपाउंड कंपाउंड। अगर मैं बोलूं CuOH का होल ट्वाइस, व्हेन वी हीटेड दिस कंपाउंड दैट गिव अस CuO प्लस H2O, ये भी दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड दिस इज ऑल्सो कंपाउंड, तो ये इसको बोलते हैं कंपाउंड कंपाउंड डिकम्पोजिशन। क्लियर? यस सर। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड एलिमेंट्स, ओके कंपाउंड एलिमेंट्स इज लाइक मैं इसको रेड कलर से लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड में। ओके समझ में आ गया बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, थर्ड इज कंपाउंड एलिमेंट्स, दैट इज फॉर एग्जाम्पल Na(NO3). When we heated this, that gives us 2NaNO2 plus O2. Now this is elements and this is compounds. समझ में आया बेटा? इस तरीके से इसमें decomposition होता है। जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि सिर्फ oxygen ही निकलेगा, इसमें decomposition होना है। उस compounds को हमने more than two parts में, two or more than two parts में divide कर देना है। Similar ये डिवाइड तभी होगा, जैसे मेरे पास कोई एक बॉल है या कोई एक पत्थर है, उसको तोड़ेंगे जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी पुटअप करेंगे। एनर्जी क्या है, या उसके ऊपर हम लोग हथौड़े से मारेंगे या किसी चीज को तोड़ना, तब जाके वो दो पार्ट में टूटेगी ना। तो फॉर दैट हमको हीट यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड सर। बट देन इन न्यूक्लियर डीके वी डोंट नीड टू प्रोवाइड हीट। तो मैंने कब बोला कि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एवरी टाइम हमको हीट देना पड़ेगा? नाउ देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस, ओके कौन कौन से होते हैं डिकम्पोजिशन। नाउ ये तो डिकम्पोजिशन हो गया, मैंने बताया डिकम्पोजिशन के टाइप। नाउ सर्टेन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन दैट इज लाइक थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक। वेरी गुड। ओके नाउ नंबर वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। वेरी गुड। हाँ एंड थर्ड इज फोटोलिटिक। ओके फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन।
क्लियर बेटा? नाउ इसमें थर्मल डिकम्पोजिशंस में क्या होता है बेटा, एनीबडी टेल मी? सर देयर हीट इज नीडेड टू डिकम्पोज सम सब्सटेंस. वेरी गुड. इसमें क्या होता है बेटा, हीट नीड होती है एंड फॉर दिस कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर दिस कंपाउंड लाइट. लाइट. वेरी गुड. एनीबडी मतलब क्या है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग मतलब लाइट देंगे तो वो मतलब डिकम्पोज हो जाएगा? वन सेकंड बेटा, एक सेकंड. हेलो. यस सर. हाँ एवरी ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा कि हम किसी में भी एनर्जी दें और कोई सा भी रिएक्शन हो जाएगा. ओके नाउ क्या ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ जो जिसके ऊपर हो सकता है मतलब हाँ. उसके ऊपर अगर हम लोग लाइट डालेंगे तो फिर वो मतलब हो जाएगा डिकम्पोज. हाँ जिसके ऊपर होता है उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो हो जाएगा. ओके आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? वेरी गुड. अभी मैं तीनों का एग्जाम्पल दूंगा, हर चीज का एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा मैं उसको. ओके थर्मो मीन्स यहाँ पे थर्मल मीन्स और थर्मो मीन्स हम लोग को आइडिया है थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट होता है एंड दैट इज द एग्जाम्पल फॉर द हीट दैट इज आप लोगों ने पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. दिस कंपाउंड इज सॉलिड होता है. ओके नाउ इसको जब हीट कर हाँ लाइम इसको हीट करते हैं सो दैट गिव्स द CO दैट इज सॉलिड कंपाउंड प्लस CO2 गैस. क्लियर? समझ में आया? नाउ इसको हम लोग हीट देना पड़ता है. क्लियर है? नाउ यस बेटा. नो आई सेड यस सर. ओके बेटा नाउ सिमिलर काइंड ऑफ होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ओके इन द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, जस्ट लाइक H2 है मेरे पास. ओके एंड दिस इज इन लिक्विड फॉर्म. जनरली जो रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रिकल करंट. ओके नाउ इसकी रिएक्शंस दिस इज H2 गैस प्लस O2 गैस में स्प्लिट हो गया. समझ में आया ये चीज? इसमें किसी को डाउट है? नो सर. इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस. नाउ व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज लाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होता है फॉर एग्जाम्पल लाइक AgCl ये सॉलिड सब्सटेंस होता है इसका डिकम्पोजिशन होता है इन द सनलाइट. ओके एंड दिस गिव्स अस Ag सॉलिड कंपाउंड प्लस Cl2 सॉलिड गैस. ओके क्लियर है बेटा? आप याद कर लो सॉलिड लिक्विड गैस कैसे लिखते हैं वो हम बाद में रिप्रेजेंट करेंगे कि इक्वेशंस कैसे लिखते हैं. अभी के लिए बस इतना है कि अगर लिखा है मैंने सॉलिड गैस तो उसको आप उतना याद कर लो. ओके सर आपने लास्ट टाइम बताया था ये. लास्ट टाइम बताया था मैंने बट ऐसे आप बताया था वो बताया था मैंने कि कब सॉलिड लिक्विड कब गैस लिखते हैं. बट दिक्कत ये है ना कि किसी भी कंपाउंड को देख के मैं ये नहीं बता सकता. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके सामने रिएक्शंस लिख दी हैं जस्ट लाइक जैसे रिएक्शंस होती है Cu मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ Cu प्लस AgNO3 दैट गिव्स अस CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag. तो इसमें कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जब तक मैं नहीं दूंगा आपको. समझ गए बेटा? आप अगर आइडेंटिफाई करोगे तो आपको याद होनी चाहिए इक्वेशंस. ओके इक्वेशन से देख के हम सॉलिड गैस आइडेंटिफाई नहीं करते हैं ये बिल्कुल आप भूल जाए कि आपके सामने इक्वेशंस है और आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है ऐसा नहीं होता है. समझ में आया बेटा? यस सर. यस सर. तो अगर आपके पास दिया है लिक्विड है तो आप उसको लिक्विड रखोगे गैस है तो आप उसको गैस रखोगे सॉलिड है तो सॉलिड रखोगे. ओके अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उसको इस तरीके से हटा सकते हो.
ओके फिर अगर लेकिन सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक इसमें आपने जैसे दिया था उसमें अभी लिक्विड का गैस होता है, तो वो हमें कैसे समझ में आ जाएगा? अभी इसलिए समझ में आएगा, अगर आप ये भी पार्ट लिख दोगे, H2 लिख दोगे, O2 लिख दोगे, तो ये भी आप समझ जाओगे ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये लिक्विड फॉर्म में। ये बेटा जब आगे आने वाली क्लासेस हो जाएंगी उसमें ऑटोमेटिकली आप समझिए। तो बेसिक, इतनी बेसिक इक्वेशंस है कि आपको 10th के बाद और 9th के बाद, 10th के बाद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये इतनी बेसिक इक्वेशंस होती हैं। बिकॉज इसलिए देखने की नहीं मिलती क्योंकि ये डेली लाइफ की यूज वाली इक्वेशन, अगर आपको कहीं ये इक्वेशन ऐसी लिखी मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि ये लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है। ओके, आप यस पढ़ते सर, पढ़ते सीख जाओगे। इसका एक्सप्लेनेशन यस यही है कि अगर हम गैसियस, जैसे आपके पास स्टीम है, स्टीम लेते, स्टीम में अगर लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो वहां पर मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, इससे इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट हमको रिएक्शंस करना पड़ेगा। यस गौतम, एनी प्रॉब्लम? सर। सो अभी के लिए आप इतना समझो जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ज्यादा समझना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता जाऊंगा, बट वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज रहेगी। नाउ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, AgCl और AgNCl2। AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम होता है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड आपने सर, दिस कभी माइट बी आपने कभी एक्सपेंसिव फोटो सब्सटेंस। देखा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो? यस सर, यस सर, ब्लैक यस एंड व्हाइट सर। फोटो बनाते टाइम में, वो जब एक जमाने में होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाते थे, तो उस टाइम में क्या होता था, फोटो आज खींचती थी एंड द नेक्स्ट डे आपको फोटो मिलती थी। समझ में आया? तो नेक्स्ट डे आपको फोटो मिलती थी, तो उसमें क्या करते थे, ये AgCl से उस फोटो को धुलते थे इन द डार्क रूम। सो वी कैन से कि दिस एवव रिएक्शंस, एवव रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर, समझ में आया? यस सर, डार्क रूम में इसलिए करते थे बिकॉज अगर हम लोग दिन में वो फोटो धुले हैं तो वो क्या होता, दिन में ये वाला सब, ये वाले रिएक्शंस, अगर AgCl, तो हमारे पास जैसे ही सनलाइट मिलती थी तो AgCl रिएक्शंस करके Ag एंड सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। समझ में आया? तो इसलिए हम उसको रात में, ये वाले जब भी काम होता है फोटो धुलने का काम, वो हम रात में करते थे। बट नाउ डेज क्या है, कंप्यूटर आ गया, आपके पास प्रिंटर है, फोटो खींचा प्रिंटर से, फोटो निकाल दिया। समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर, इसको दैट इज बैलेंस्ड। बैलेंस करना है, दिस इज टू एंड दिस इज टू, बैलेंस हो गई। हाँ यस सर, सर पर हाँ, यस सर। और फिर उन्हें दिखेगा कैसे काम करते वक्त? काम करते वक्त दिख जाता बेटा, उस टाइम पे हमको लाइट नहीं चाहिए होती है। लाइट मींस इसमें क्या लिखा मैंने, सनलाइट सनलाइट नहीं चाहिए होगी। सर, वो रेड कलर की लाइट यूज करते थे ना? हाँ यस, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यस, वेरी गुड बेटा, आपको तो सब कुछ आता है। सो इन द डिकम्पोजिशंस ऑफ, जैसे सेकेंड रिएक्शंस इन दिस, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड HClO, दिस इज इक्वस फॉर्म, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। दिस इज ऑल्सो एच न्यू, एच न्यू मीन्स द सनलाइट, सनलाइट में HCl गैस बनाएगा, इक्वस प्लस O2 गैस। चल, वो HCl के बाद क्या लिखा है? HCl के बाद इक्वस AQ। सर, आप फिर से वो रिएक्शन बता सकते क्या? HCl मतलब मेरा नेट कनेक्शन इतना ठीक नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा HCl? लुक, दिस इज HClO AQ एंड दिस इज HCl, दिस इज AQ AQ, इसको बोलते हैं एक्वस। बताया ना मैंने बेटा आपको? यस सर, दैट एक्वेस सॉल्यूशन ना। यस यस यस
सर इट मींस दैट इट इज डिसॉल्वड इन वाटर. यस बेटा. क्लियर बेटा? यस सर. यस सर. नाउ डू यू वांट एनी अदर एग्जांपल और? नो सर. ओके. नाउ एक फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल होगा, आपको आइडिया है क्या होता है बेटा उसमें फोटोसिंथेसिस में? यस सर. वो प्लांट प्लांट वो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो अपना खाना बनाते हैं जो कि ग्लूकोज और स्टार्च होता है. वेरी गुड. दिस इज द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सर दिस इज नॉट बैलेंस्ड राइट? हाँ बैलेंस आप करो, बैलेंस वाला पार्ट आपके लिए है. ओके सो देयर विल बी सिक्स CO2 प्लस सिक्स एच टू ओ गिव्स सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एंड सिक्स ओ टू. दिस इज सिक्स CO2 प्लस सिक्स एच टू ओ. नाउ इट इज बैलेंस्ड. वेरी गुड. क्लियर है? बट सर सिक्स योर हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट. ओके. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सर कैन आई एक्सप्लेन इट? सर कैन आई आल्सो? हाँ एक्सप्लेन करो. ओके वन बाय वन एक्सप्लेन करो. यस सर. सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव जो जो मेटल या सब्सटेंस होता है वो लीस्ट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल. वेरी गुड बेटा. ओके सो सर टेबल ऐसा होता है पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम. वन सेकंड. आपका टेबल याद है? मैं टेबल यहां पे लिखता हूं साइड में. ओके यस सर. वन सेकंड. ओके टेल मी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम. एवरीवन वेरीफाइड दिस टेबल्स. अगर कहीं पे कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप बताओगे. ओके मैग्नीशियम एल्युमिनियम कार्बन. मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बाद बेटा एल्युमिनियम 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 कार्बन कार्बन जिंक आयरन टिन लेड. टिन का टिन का क्या सिंबल होता है बेटा? Pb. नो सॉरी हाँ Sn Sn. नेक्स्ट लेड लेड. यस हाइड्रोजन कॉपर एंड सिल्वर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम. हाँ या ओके क्लियर है बेटा? नाउ ये आपका सीरीज हो गया. नाउ इन दिस रिएक्शंस द एलिमेंट्स. यस सर. जो मतलब ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को मतलब डिस्प्लेस कर देता है. जैसे कि हम लोग कॉपर सल्फेट लेंगे, अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा और अगर हम लोग उसमें आयन नेल या मतलब कुछ भी आयन या वगैरह उसका कोई भी मतलब कुछ भी डालेंगे तो फिर वो आयन सल्फेट और फिर वो कॉपर हो जाएगा. या फिर और एग्जाम्पल्स हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग सपोज हम लोग सर हम लोग मतलब अगर हम लोगों ने सिल्वर सल्फेट में कुछ भी मतलब जैसे कि कॉपर या फिर मतलब जो भी लोअर टेबल में होगा उसके ऊपर से अगर हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. लाइक प्लैटिनम से बाकी सब डिस्प्लेस होते हैं, सिर्फ सिल्वर से उसके ऊपर के सब डिस्प्लेस होते हैं ऐसा मतलब हम लोग कर सकते हैं. ओके ओके बेटा. सो अगर इसका मैं जनरल फार्मूला लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं Ab plus C is equal to AC plus B. ओके वन सेकंड बेटा. ओके सो एग्जांपल इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंड इसका रियल लाइफ एग्जांपल दैट इज वी कैन कॉल
कि केमिकली इसका जो एग्जाम्पल होगा दैट इज P2O5 प्लस कार्बन्स। नाउ कार्बन्स नीचे है या पीवी नीचे, ओके दैट कार्बन डिस्प्लेसेस एंड CO। नाउ इस रिएक्शंस को बैलेंस करो एवरीवन, बैलेंस सर कर पाओगे? टू यस पी टू पी ओ ओ फाइव फाइव और फाइव वेरी हाँ गुड। नाउ और द सर फाइव सेकंड सी भी आएगा ना क्योंकि फिर कार्बन तो मतलब ये हो जाएगा CuSO4 प्लस, तो यस फाइव सी सर फाइव सो फाइव सी सी फाइव होगा। सी फाइव सी, यस सर यस फाइव सर सी रिएक्टेंट। यस यस बेटा 5C होगा। ZnSO4 प्लस Cu, ओके एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल FeSO4 प्लस Mg दैट इज इक्वल टू एम जी एस ओ NgSO4 फोर प्लस Fe, ओके क्लियर बेटा? यस सर सर सो विच इज लाइक हायर इन दिस बोथ आयरन और मैग्नीशियम आप देखो ना बेटा है, कहाँ पर है, ओके यस सर टेबल लिखा है मैंने अभी साइड में टेबल। ओके समझ में आया? ओके मैग्नीशियम इज हायर नाउ फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके दीज आर कॉल्ड मोस्ट मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन्स। ओके ओके एंड दीज एलिमेंट्स कॉल्ड लेस रिएक्टिव देन एज। क्लियर बेटा, समझ में आया? यस सर ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर है बेटा, इसको आप लोग याद कर लेना है, अगर आप याद कर पाओ तो, अदरवाइज नहीं याद कर पाओ तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास, अभी के लिए आप याद कर लो। ऑलरेडी नाइन्टी यस वो परसेंट ट्रिक हमें स्कूल में बताई है कि हम लोग ओके जिब्रा वाला वो ओके बहुत अच्छे बेटा। ओके अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे, फिर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके नाउ द सर सर्ट, मुझे नहीं पता ओके तो मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटा, पहले आप इसको याद करो, देन नेक्स्ट में हमको इसमें ट्रिक बताऊंगा। ओके सो ट्रिक क्या है, एग्जाम में अगर कभी जो आपने याद किया वो भूल जाता तब एग्जाम में काम आती है वो ट्रिक। ओके अभी के लिए आप याद कर लो। ओके याद कर लोगे तो ये चीज पता है जो बेटा, जो केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये आपका 12th और जेई मेंस नीट एम्स तक पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर ओके है? नाउ द लास्ट नेक्स्ट रिएक्शंस, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट इज 3 और 4, कौन सा डबल टाइप डिस्प्लेसमेंट है? रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके नाउ द रिएक्शंस वेयर कंसिस्टुएंट एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इंटरचेंज टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर है बेटा, समझ में आया? कैन यू राइट द डेफिनेशन हाँ ओके बेटा अभी मैं राइट करता हूँ। सो इज दिस लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इट इज डिफरेंट हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जैसा ही होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शंस इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड। ये डेफिनेशन समझ में आया बेटा? ना इसका मैं यस एग्जाम्पल दे रहा सर हूँ, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग समझे सर आप एग्जाम्पल। समझा सकते हैं क्या ये हाँ डेफिनेशन बिल्कुल समझा सकता हूँ। ओके दैट इज फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशंस क्लियर करता हूं। दैट इज Na2
एसओ फोर कोई एलिमेंट्स हो के एक्वस फॉर्म में प्लस BaCl2 दिस इज आल्सो इन एक्वस फॉर्म में ओके नाउ दिस गिव्स अस BaSO4 प्लस NaCl क्वेश्चन में बोला कि दैट इज अ रिएक्शंस इन विच न्यू कंपाउंड्स मैं आपको आपने नोट किया होगा नहीं किया होगा अ रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्मड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन दैट मींस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन दैट मींस अगर यहाँ पे मेरा ए ए बी एक रिएक्शंस मेरे पास ए बी है एक कंपाउंड ए बी है एंड एक कंपाउंड सी डी है ओके सो ए सी प्लस बी डी नो सी बी प्लस ए बी हेलो एक सेकंड बेटा ए बी प्लस सी डी फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से है ओके एंड देन इसका रिएक्शन सपोज इसमें ए पॉजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के चार्ज बन जाएगा एंड इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ तो यहाँ पर ए डी प्लस बी सी इस तरीके से क्लियर है तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस ये इस तरीके से हुआ है बेटा ओके नाउ इसमें हमने एग्जाम्पल अभी देखा इसमें देखो Na2BO4 ऑल ऑफ यू ऑल आप लोग सब लोग जानते हो कि Na दैट इज इसमें क्या होता है बेटा Na में होता है पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए क्या हो जाएगा Na में क्या होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर 2Na है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड SO4 में डबल नेगेटिव चार्ज होता है एंड यहाँ पर बी ए में डबल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड यहाँ पर सी एल है तो 2Cl सिंगल नेगेटिव अभी क्या होगा इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ एंड इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ तो वही हुआ दैट इज BaSO4 एंड NaCl तो यहाँ पर 2Na 2Cl था तो यहाँ पर 2NaCl आ गया प्लस में एंड BaSO4 सिंगल है तो BaSO4 सिंगल आया समझ में आया बेटा सर कैन इन एनी क्वेश्चन जैसे कि आपने बोला कि SO4 और BA मतलब आ जाएंगे ना पर फिर तो मतलब BaSO4 आया है तो हम लोग उसको ऐसे भी मतलब कर सकते हैं ना कि पहले वाले हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे जैसे कि Na है वो BA के जगह पे जाएगा BA है वो Na के जगह पे आ जाएगा हाँ वैसे होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन आप कैसे भी करके बोल सकते हो ओके क्लियर है बेटा समझ में आया यस सर हम लोग आगे चले यस सर यस एनी क्वेश्चन इफ इन एनी क्वेश्चन ए एंड बी आर इंटरचेंज इन प्लस साइन देन इक्वेशन विल बी इक्वल ए एंड बी क्या बेटा इंस्टेड ऑफ ए देयर इज बी एंड इंस्टेड ऑफ बी देयर इज ए ओके हाँ नेक्स्ट हाँ ये इंटरचेंज हो सकता है बेटा ओके इंटरचेंज ऑफ म्यूचुअल आयंस बोला एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं बेटा उसमें हो सकता है ये चीज ओके यस सर क्लियर है यस सर और एग्जांपल दूं क्या जस्ट लाइक एक और एग्जांपल आप लोग लिख लो फॉर एग्जांपल MgCl2 प्लस KOH इक्वल टू MgOH को होल ट्वाइस प्लस KCl क्लियर एंड सेकेंड P2CL2 प्लस NaOH दिस इज इक्वल टू P2OH को होल ट्वाइस प्लस NaCl नाउ बैलेंस दीज टू इक्वेशंस आप इसको बैलेंस करके बताओ बेटा मुझे यस सर ऐसे आएगा PtCl2 यस प्लस हेलो यस यस बेटा बोल दो प्लस 2OH NaOH यस इज इक्वल गिव्स आउट Pt ब्रैकेट OH2 प्लस 2NaCl प्लस 2NaCl
बैलेंस हो गया बैलेंस। यहाँ का ये साइन प्लस इसके साथ मैच आउट कर गया एंड दिस पी टी दिस ओ एच के साथ मैच आउट करके ये कंपाउंड बनाया। क्लियर है बेटा? एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, नाउ सो ये तो आपका फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, नाउ इसमें क्या होता बेटा, इन दिस रिएक्शंस में ये यहाँ पर बी एस ओ फोर, अगर आप आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो दिस वी एस ओ फोर इज इनसॉल्युबल सॉलिड एंड इमर्ज एज ए लिक्विड सोल्यूशन। ओके, ये सॉलिड होता है बट वो आपकी बाकी बात की चीजें हैं। अभी ये सॉलिड होता है, प्रिसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, तो वो आपको बाद में लिखना है। क्लियर बेटा? अभी आप यहाँ पर सॉलिड लिख लो एंड यहाँ पर इक्वस लिख लो एंड दिस इज अ व्हाइट कलर। क्लियर? इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, आर वी गोइंग टू डू दिस रिएक्शंस इन एनी लैब? हाँ बेटा करोगे। वंस वी स्टार्ट फिजिकल क्लासेस। हाँ, अभी आपका टेंथ में एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो कि आपके यहाँ पे एमएससी जो महाराष्ट्र बोर्ड में होता है, आई थिंक पहले जमाने में जब हम लोग स्टडी करते थे तब हर एक स्टेट बोर्ड में कोई सा भी स्टेट हो टेंथ में एक्सपेरिमेंट होते थे, बट आई डोंट नो। सब लोग मोस्टली सीबीएसई में है। हाँ, तो सीबीएसई में है तो क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटा। ओके, बट वी आर नॉट, हम लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, कुछ सर्टेन एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसको हम लैब में कंडक्ट करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है बेटा, लैब में केमिस्ट्री ऐसा होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे रखे रहते हैं जिसमें हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग कर नहीं सकते। तो वही एक्सपेरिमेंट हम लोग को कराए जाते हैं जिसमें जिसमें जो एलिमेंट्स हम लोग पॉसिबल हो सकते हैं। आपके जैसे आप लोग स्टूडेंट रहते हैं, हम लोग उस टाइम पे स्टूडेंट थे, तो आपके हाथ उसको जो मैन हैंडलिंग होता है ना, मिस हैंडलिंग होता है, वो ना करके आपको कोई नुकसान ना हो। लाइक H2SO4 होता है, H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 होता है ना बेटा, वो आपका स्किन जला देता है, स्किन। दैट मींस अगर आपका स्किन में गिर गया, आपका हड्डी तक जला देगा, हड्डी तक गला देगा। समझ में आया? यस सर। मतलब वो बड़े बड़े कॉलेजेस और मतलब आईआईटी वगैरह में होते हैं। तो वो ट्वेल्थ में आपको सिर्फ देखने को मिलेगा कि सर ये H2SO4 ऐसा होता है, बट उससे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने दिया जाएगा आपको। सर करके आप हमारे स्कूल में मतलब उन्होंने दिखाया है और करके भी है। सर करके दिखा देते हैं, बच्चे लोगों को हाथ नहीं लगाने देते हैं, बिकॉज बच्चे मिस हैंडलिंग ना करते हैं इसी डर के मारे। नहीं सर, मतलब हमारे स्कूल में मतलब हमने मतलब किया है H2SO4, बट वो डाइल्यूट H2SO4 होगा बेटा, डाइल्यूट दिया होगा। DIL लिखा रहता है सर। हाँ, DIL लिखा रहता है, तो वो डाइल्यूट होता है। उसमें क्या है, थोड़ा सा अगर गिर जाने से स्किन वगैरह जलती नहीं है, ओके, बट थोड़ा सा जलन महसूस होती है, बट वो कुछ होता नहीं उससे। ओके, अगर कंसंट्रेट गिर जाएगा ना, तो आपके जैसे होता है ना, जैसे आपके हाथ में छेद करके उस तरफ निकल जाएगा, इतना अगर कंसंट्रेट हो सकता है आपके, इतना पावरफुल है। हाँ, इतना कंसंट्रेट आपकी हड्डी को गला देता है बेटा। समझ में आया? यस सर, इसीलिए मतलब फिर वो आईआईटी वगैरह में यूज किए। मेरे साथ क्या हुआ था बेटा, आईआईटी में जब मैं खड़गपुर में था तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस टाइम पे एप्रोन पहनना पड़ता बेटा, जानते हो आप लोग एप्रोन? क्या सर? एप्रोन कोट, व्हाइट कलर का कोट पहनना पड़ता है। उसमें क्या है, एक लड़के से धोखे से वो बोतल खोल रहा था, तो उससे कुछ बूंदें ड्रॉप्स वगैरह उछल करके मेरे एप्रोन में पड़ गई, तो एप्रोन मेरा छेद हो गया था, जल गया था। जैसे कोई वो था ना, स्पार्किंग वगैरह कुछ हो जाती है, जल जाता है जहां पर कोई, वही जैसे साड़ी वगैरह जल जाती है, पूरा होल हो जाता है। यस, वो लैब गॉगल्स और पूरा मतलब फेस मास्क वगैरह डाल के, तो वो सारा कुछ, तो वो मेरा एप्रोन जल गया था, तो उस टाइम पे सर ने बहुत डांटा था उसको। ओके, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, इसलिए आपको नहीं करने को मिला जाता। ओके, समझ में आया बेटा? नाउ इसमें एक जनरल इक्वेशंस नहीं लिखी थी हमने, हम लोग उसको लिख सकते हैं, दैट इज ए बी प्लस सी डी दैट इज इक्वल टू ए डी प्लस सी बी। ओके, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव
and this is positive, this is negative positive. Okay, clear? Now in oxidations and reductions, before going to explain the oxidation and reductions, आपको पहले ऑक्सीडेशन क्या है एंड रिडक्शन क्या है ये आना चाहिए. ओके, तो उससे पहले हम लोग एक्सप्लेन करने से पहले मैं ऑक्सीडेशन बताता हूँ आपको. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ओके, एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? सर मतलब रस्टिंग ना, वो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. हाँ, वेयर OH आयन इज फॉर्मड. या आयन प्ले जब ऑक्सीजन का मतलब एक लेयर कोट हो जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. रस्ट Fe2 आयन ऑक्साइड. ओके, द प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस losses oxygen, sorry, gain oxygen. Oxygen or loss hydrogen or electrons are known as ऑक्सीडेशन. क्लियर बेटा? दैट इज, अगर मैं बात करूं मोटा मोटा इस डेफिनेशन में बात करूं तो क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2. ओके, this is called oxidation. Okay, clear? समझ में आया बेटा अभी ये चीज? Yes sir. ये चीज समझ में आया? थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए, बट अभी के लिए समझो कि किसी भी रिएक्शन में अगर मैं उससे ऑक्सीजन निकालता हूँ, ऑक्सीजन ऐड करता हूँ किसी भी कंपाउंड में. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ, आप एग्जाम्पल नोट करो. फॉर एग्जाम्पल, all of you know that Mg plus O2, addition of oxygen is isme beta. Yes sir. So MgO. So this example of for kiska oxidation ka. Yes sir. Clear beta? So jaise FeO2 plus O2. Very good. Very good. Now ye example kiska ho gaya beta? Magnesium. Addition of O2 ka. Clear? Yes. Now, removal of okay. इसके लिए example लिखूं, that is H2S plus H2S H2 plus S. Clear बेटा? ये क्या बेटा इसका नेम? हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड दिस इज हाइड्रोजन प्लस सल्फर. ओके, इसमें क्या हाइड्रोजन रिमूव हुआ बेटा इससे? समझ में आया? क्लियर हुआ डाउट? हाँ सर. वेरी गुड. एंड द थर्ड इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, दैट इज सोडियम है मेरे पास. क्लियर? सोडियम मेरे पास है, अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, दैट इज -1 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया, तो क्या बचेगा बेटा? Na पॉजिटिव बचेगा मेरे पास? Yes, sir. ये समझे आप लोग या नहीं समझे? समझे फिर से बताओ. ओके, सोडियम, ऑल ऑफ यू नो द सोडियम. वेट वन सेकेंड हर्षिता, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, नाउ सोडियम, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन्स.
ओके फॉरगेट द इलेक्ट्रॉन्स द एटॉमिक नंबर को हमको 10 होता है जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 10 होता है ऑल ऑफ यू नो दैट ये आइडिया है आपको या नहीं आइडिया यस सर यस सर ये वासु सर ने बताया ये बताया इसमें से अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं दैट इज वन इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा टोटल 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एंड एक इलेक्ट्रॉन जब कोई निकाल देता डोनेट कर देता है दैट मींस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं दैट इज यहाँ पर कितने यहाँ पे उसने कितना किया एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया माइनस वन इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया समझ में आया बेटा Yes, sir. अगर माइनस टू इलेक्ट्रॉन करता प्लस टू आता समझ में आया Yes, sir. अगर मैं बोलता यहाँ पे प्लस वन इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स यहाँ पे क्या आता बेटा निगेटिव चार्ज माइनस Yes, sir. बोलता प्लस टू इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स निगेटिव टू चार्ज समझ में आया वेरी गुड सो यहाँ पे निगेटिव वन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज ओके नाउ इसको फर्दर एक और फॉर्म होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज Na Na पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन्स इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा बेटा दिस इज वन का था माइनस वन का था दैट इज प्लस का वन हो जाएगा यहाँ पर समझ में आया यस सर So this definition, this reaction is more acceptable than this. ये भी आपका 100% correct है. कोई भी आपको marks नहीं काट सकता. But अगर ये लिखोगे तो ये थोड़ा सा representation तरीका सही हो जाएगा इसमें. Because electrons को plus की side में लिखते हैं. समझ में आया बेटा? So in this, यहाँ पर बेटा क्या हो रहा? Oxidation हो रहा है. समझ गया अभी तक? क्लियर हुआ नाउ शैल वी मूव टू द रिडक्शन पार्ट यस सर नाउ द रिडक्शन इन द रिडक्शंस दैट इज इन विच प्रोसेस द प्रोसेस इन विच substances losses oxygen just opposite to the oxidation oxidation ka opposite hoga or gain hydrogens or electrons is known as reductions clear hua beta definitions clear hui that is agar main example dekhu loss of oxygen ka okay so the example is 2CuO plus 1 second. Okay. The example H2 for example for removal of oxygen. 1 second example Cu plus. Sir, I have a question. Hello. Cu. Yes, beta. I have a question, sir. Yes, beta, puncho. So, sir. Gain of hydrogen or E bar, what is that? E bar is the electrons, beta. Okay. Electrons ko E negative se hum log dikhate in the short form, okay, beta? Or electrons, yes, okay? So Cu O plus O2 or H2. वन सेकेंड बेटा हाँ बोलो हाँ बस 20 मिनट्स 10 मिनट्स सब जमा हुआ है
दैट इज रिमूवल ऑफ, बेटा क्या था एग्जाम्पल, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ओके सो अगर मैं एग्जाम्पल करूँ दैट इज एच जी ओ, यहाँ से एच जी निकलेगा प्लस ओ टू आ जाएगा बेटा. ओके एंड सी यू ओ, सी यू प्लस ओ टू. क्लियर है बेटा डाउट, एनी प्रॉब्लम? दिस इज द एग्जाम्पल फॉर लॉस ऑफ ऑक्सीजन और वी कैन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इज देयर एनी डाउट बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर. ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आपका आईआईटी जेई मेंस तक पीछा नहीं छोड़ेगा. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो इसको. गेन ऑफ हाइड्रोजन्स. ओके इन दिस गेन ऑफ हाइड्रोजन्स में रिएक्शंस दैट इज H2 Br2 is equal to HBr, so 2HBr हो जाएगा. क्लियर है? एंड नाउ दिस इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू इन प्रेजेंस ऑफ निकिल दैट गिव अस सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री. क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम? इक्वल टू साइन नहीं बेटा, ये डबल बॉन्ड वाला साइन है. जो बॉन्ड बनते हैं ना, दिस इज बॉन्ड का साइन है. समझे बेटा? सॉरी सेकंड वाला समझ नहीं आया. सेकंड वाला मत लिखो, अगर समझ नहीं आया तो मत लिखो. ओके दिस इज, आपको मैंने बोला ये बाहर का जैसे हायर लेवल की क्लास वाला एग्जाम्पल है. अगर आपको नहीं समझ में आया आप मत लिखो, इसको इस तरीके से कर सकते हो. दैट इज एच टू प्लस इज इक्वल टू टू के एच. क्लियर? एंड एन टू प्लस थ्री एच टू इज इक्वल टू टू एन एच थ्री. समझ में आया बेटा ये चीज? Yes, sir. Next is gain of electrons. Okay. In this gain of electrons, mein, that is we can call कि Cl मेरे पास है. Okay. अगर Cl के पास मैंने एक electrons मैंने इसको दे दिया. Okay. Plus one electrons मैंने इसको दे दिया. तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पर? Cl negative. Anybody have any doubts? किसी को इसमें डाउट है क्या? Tell me. No sir. No sir. Now ये तो हो गया आपका oxidation and reduction वाला part. Okay. Now ये तो particularly अलग अलग reactions हो गई हैं. Clear? Now the combinations of oxidation and reduction. Okay. That is the combination of sir in reduction we sir in oxidation we gain OH, right? अब बताओ मुझे. क्लियर बेटा? समझ में आया? यस सर. ओके फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से एग्जांपल ऑफ
AgVr और वन सेकेंड okay for example that AgVr plus C6H6O2 equals this is solid that is equal to Ag solid plus 2HBr. And plus C6H4O2. Okay. Maybe aqueous banega. And this is also aqueous. क्लियर ये एग्जांपल है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का. अगर देखो बेटा इसमें ऑब्जर्व करो आप AgVr है ओके. नाउ AgVr में ओके थोड़ा सा टफ एग्जांपल हो गया. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ ओके. एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ. यहां से क्या होता है बेटा इसमें और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इसमें. एडिशन ऑफ जो मैंने आप यहाँ पर बात बताया दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आप जानते हो बेटा कौन से होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? सर दे हैव अ माइनस. यस दे हैव अ माइनस चार्ज ऑन दैट ओके. So, B के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ F क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है एंड ऑल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. क्लियर. एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आप ये बोल सकते हो दैट इज इन द अभी तक आपकी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्लोरीन होता है. ये आप समझो ओके. सो इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ अगर मैं यहां से देखूं यहां से इस पार्ट में देखूं तो इसमें बी आर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है. यहां पर बी आर इज द ब्रोमीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो यहां पे एडिशन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है? रिमूवल. रिमूवल दैट मींस तो यहां पे क्या होगा बेटा ये ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा. रिडक्शन. सो दिस विल बी द रिडक्शन. और यहां पर देखो बेटा इन दिस इस कंपाउंड में एंड इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन देखो यहां पर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. क्लियर. यहां पर अगर ऑक्सीजन देखो यहां पर सिक्स कार्बन में सिक्स ऑक्सीजन है. यहाँ पर सिक्स कार्बन और सिक्स हाइड्रोजन में सिक्स ऑक्सीजन है. यहाँ पर सिक्स कार्बन फोर हाइड्रोजन. यहाँ पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला जाए. देखा जाए हमने सिक्स कार्बन सिक्स हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन ओके एंड सिक्स कार्बन फोर हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन. अगर मैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालू तो इसमें ज्यादा है बेटा दो ऑक्सीजन नहीं पूरा. अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लू तो इसमें ज्यादा है. ओके यस सर. ओके अगर नहीं समझ में आया मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपके लेवल का. ये एग्जांपल मैंने मुझे 11th की केमिस्ट्री का याद था इसलिए मैंने आपको दे दिया. सर हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल छोटा है पर फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है. कैसा बेटा? हाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए. नहीं सर सेकंड में मॉलिक्यूल छोटा है ऐसा कह सकते हैं क्योंकि यहाँ उतने सारे हाइड्रोजन नहीं है ना सर. ओके नाउ द एग्जांपल ऑफ फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप बोल सकते हो दैट इज देखो अनदर एग्जांपल दैट इज CuO + H2
that give us Cu plus H2O. Now, यहाँ पर क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बेटा इसमें ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है बेटा यहाँ पर yes, sir. Yes, sir. But ये क्या होगा बेटा the on the second part reduction yes and ये एक सिंपल ट्रिक है बेटा अगर आप रिडक्शन और ऑक्सीजन अगर आप एक फाइंड कर लिया देन सेकंड वाला एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है किसमें हो रहा है ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा क्लियर बिकॉज यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा और वी कैन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन समझ में आया टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइट हाँ बट टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है बट दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर यस सर नाउ अनदर एग्जाम्पल इज सी यू एस ओ फोर प्लस जेड एन दैट इज इक्वल टू जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू नाउ एनी बडी टेल मी कौन सा ऑक्सीडेशन होगा कौन सा रिडक्शन होगा Sir, in the left part it is oxidation. अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, for example, Cu का reduction हो गया है। यहाँ पर Cu का reduction हुआ है और Zn का oxidation हुआ है। Okay, ना मैं यहाँ से क्लियर ये क्या हुआ बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको समझ में आ रहा यस सर वेरी गुड ओके नाउ आई थिंक आप लोग सब लोग समझ गए हो और अगर अगर नहीं अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आपको मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन निकालना बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा ओके सो दैट उससे भी आप पता कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहां पर हो रहा है ओके यस सर नाउ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आपको डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होते हैं एनीबडी टेल मी रस्टिंग फिर कॉपर में जैसे वो लगता है वो ग्रीनिश डल कोटिंग कॉपर कार्बोनेट का Sir, like we can see that in Statue of Liberty. Yeah. Yes, very good, beta. बहुत अच्छा example, okay? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए आयन की corrosion होती है वो corrode हो जाती है क्योंकि फिर वो बाद में historically वो मतलब उसको preserve करना hard हो जाता है. Okay. Sir, even very old wood की चीजें Some would have content of some iron, so that also becomes bluish. Very and good, beta. And no wood after some time it will biodegrade, no? Because wood is biodegradable. If you put that is also there. If you see in World War II, no, the things like bayonets and the guns which were used, no, now only the metal, the skeleton is remaining. In that time to reduce cost, that was there. So it is a lot problem because the historians face, no, sir. So there should be something no which would means remove the rust. Yes, sir. Actually, if you don't want a gun to rust, you can just oil it and keep it. Yeah, but at those time it, the oil, if that times it would be so. If you don't want to rust or oxidation नहीं है तो वहाँ से बेटा oxygen ही निकाल दो आप. So Vacuum we can also galvanize. Yes, वो उसे galvanize कर सकते हो और अगर जैसे मान के चलो मैं किसी रूम को वैक्यूम बना दूं उसमें मैं कुछ भी चीज रख दूं कभी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज वहां पर ऑक्सीडेशन प्रेजेंट है ही नहीं समझ गए बेटा कुछ भी नहीं होगा उसे हाँ कुछ भी नहीं होगा उसे ओके यस सर क्लियर सम काइंड ऑफ रेडिएशन हो सकता है बट इस पे कुछ रिसर्च चल रहा है कि रेडिएशन होगा कि नहीं होगा बट बिकॉज आपने जो मिल्टन की बोतल देखी है बेटा यस सर मिल्टन की बोतल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है सपोज ये बोतल है आपका ओके उसमें क्या होता है बेटा यहाँ से एक और एक साइड से बोतल होती है
एंड उसके बीच में यहाँ पर वैक्यूम होता है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, और यहाँ से उसको पैक किया जाता है, बिकॉज वैक्यूम से कुछ भी पास नहीं हो पाता है। रेडिएशन के बारे में अभी बात चल रही है, आपका हीट पास नहीं होता है, आपका किसी भी तरीके से रेडिएशंस की बात अभी हम लोग रिसर्च में चल रहा है, बट हीट वगैरह पास नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई इसमें अगर हम लोग ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म रखेंगे तो गर्म रहता है। समझ में आता बेटा ये चीज? हाँ तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में कोरोजन एंड रेंडिसिटी पे आपको कुछ नोट्स लिखना है, एंड वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा रेंडमली किसी भी स्टूडेंट से। ओके सर, क्या करना है? कुछ नोट्स लिखना है, एग्जाम पे लिखना है, जैसे मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन लिख दिया, ब्लैक कोटिंग, सर ये सब कोरोजन के ना? आप ही रहेंगे ना? हाँ नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप मतलब किसी से भी लेंगे नहीं, मतलब सबसे पूछेंगे ना? मतलब ऐसे सबसे नहीं पूछूंगा बेटा, किसी एक दो लोगों से पूछूंगा मैं, सबसे नहीं पूछूंगा। ओके आप सबसे नहीं पूछेंगे। नाउ अभी कुछ एग्जांपल है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, आपको उसको लिखना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। ओके यस सर, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछ सकता हूँ मैं, इसी कॉपी में मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ओके स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच आर द रिडक्शन रिएक्टर। ओके समझ में आया बेटा ये चीज? यस सर, यस सर। सर ये आप ग्रुप में पोस्ट कर दोगे तब हम देख के कर ग्रुप सकते। में मैं पूरा सीट yes, पोस्ट करूंगा, मैं ये पीडीएफ तो पोस्ट करूंगा, बट ग्रुप में मैं पूरा पीडीएफ पोस्ट करूंगा सीट बना करके। ओके यस सर। सर आप sir, वो रिकॉर्डिंग वीडियो भी शेयर करो। हाँ रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर होता है बेटा, अगर नहीं होता शेयर तो आपको मेरे नाम पे जाना है, दैट इज आर कुमार चैनल है, वहां पर 9th केमिस्ट्री और 10th केमिस्ट्री डाल के आपको सर्च करना है। ओके तब वहां पे आ जाएगा। अभी वहां पर 9th केमिस्ट्री का एक लेक्चर है, दूसरा लेक्चर मैं आज अपलोड कर दूंगा ये वाला। सर पर हम लोग 8th में है राइट? हाँ 8th में हो, बट मैंने उसको 9th केमिस्ट्री करके अपलोड किया। ओके 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 समझ गए बेटा? यस सर। ओके सो हम लोग लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकता है। क्लियर बेटा? नो प्रॉब्लम सर। ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। सर बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर, गुड नाइट।